रेडमी नोट 8 प्रो लूँ या रियलमी एक्स टू? अच्छी कैमरा रेडमी नोट 8 प्रो की है या रियलमी एक्स टू की? गेमिंग परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? उस सारी जानकारी इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं, क्योंकि रेडमी नोट 8 प्रो आपको मिल जाता है 15,000 रुपये पे। वहीं पे बात करें रियलमी एक्स टू की, तो ये आपको मिलता है 17,000 रुपये के प्राइस में। तो क्या 2,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करना ज्यादा फायदेमंद होगा या 15,000 में रेडमी नोट 8 प्रो लेना ज्यादा अच्छा होगा? सारी बातें हम जानेंगे आगे। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। रियलमी एक्स में हमें 6.4 इंच का फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वहीं पे रेडमी नोट 8 प्रो की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अब इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो रियलमी एक्स टू का डिस्प्ले ज्यादा बेहतर निकल के आता है एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 8 प्रो। अब बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में, तो रियलमी एक्स टू में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं पे हमें रेडमी नोट 8 प्रो में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है पीछे की तरफ, जो कि इस फोन की मुझे एक बहुत बड़ी कमी लगी। प्रोसेसर की बात करें तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में हमें गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। रियलमी एक्स टू में हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और रेडमी नोट 8 प्रो में हमें मीडियाटेक का हीलियो G90T प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में हमें सेम मेगापिक्सल और सेम क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। और ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप जीकैम इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। सेल्फी कैमरा की बात करें तो रियलमी एक्स टू में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और रेडमी नोट 8 प्रो में हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो रियलमी एक्स टू में हमें 4000mAh की बैटरी देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको 30 वाट का भूक फ्लैश चार्ज पावर अडेप्टर भी देखने को मिल जाता है और इस 30 वाट का भूक फ्लैश चार्जर के साथ आप अपने स्मार्टफोन को 0 to 70% 30 मिनट में ही कर सकते हो चार्ज। और वहीं पे रेडमी नोट 8 प्रो में 4500mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाता है, जो सपोर्ट करता है 18 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में, तो ये दोनों स्मार्टफोन में हमें बेस वेरियंट में 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जबकि रियलमी एक्स टू आपको 17,000 रुपये में मिल जाता है और वहीं पे रेडमी नोट 8 प्रो आपको 15,000 में मिल जाता है। तो ये थी वो सारी स्पेसिफिकेशन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में और इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या 2,000 रुपये देना मेरे लिए उचित होगा, और जब हम 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर ही रहे तो क्या क्या हमें नए फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला फीचर्स की बात करें तो आपको रियलमी एक्स टू में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे 2020 में, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो होना चाहिए इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और ये था पहला फीचर जो आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देके मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हो, रियलमी एक्स टू में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है एक स्मार्टफोन में होना। सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने से आपको बैटरी बचत ज्यादा होती है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले में आपको बैटरी कंजम्पशन बहुत ही कम होता है और ज्यादा डिटेलिंग मिलती है जब आप कोई मूवी देखते हो या ऐसे फोन को नॉर्मली आप यूज करते हो तो। और तीसरे फीचर्स के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 4000mAh की बैटरी के साथ ही आपको 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि आपके स्मार्टफोन को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा रेडमी नोट 8 प्रो के कंपैरिजन में। अब चौथे फीचर्स के बारे में बात करें तो ये निकल के आता है कैमरे में। दोनों ही स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है आपको, लेकिन कुछ मामलों में रियलमी एक्स टू का कैमरा ज्यादा बेटर निकल के आता है एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 8 प्रो। डिटेलिंग के बारे में बात करें तो रियलमी एक्स टू का कैमरा हल्का सा बेटर निकल के आता है रेडमी नोट 8 प्रो के तुलना में। अब बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो रियलमी एक्स टू में हमें एक नया फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को नहीं मिलता है। आप लोग में से कई जन सोच रहे होंगे ऐसा क्या नया फीचर आ गया जो कैमरा के मामले में रेडमी को पीछे छोड़ दिया रियलमी ने, क्योंकि रियलमी एक्स टू में हमें वीडियो बोके मोड देखने को मिल जाता है, यानी कि आप ब्लर बैकग्राउंड वाला वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं DSLR के तरह। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो लोग वीडियोग्राफी करते हैं मोबाइल से। और ये वीडियो बोके मोड आपको सेल्फी कैमरा और रियर कैमरा दोनों कैमरा में ये फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो रियलमी एक्स टू में हमें किसी भी तरह की बड़ी कमी देखने को नहीं मिलता है। एक छोटी सी कमी देखने को मिल जाता है रियलमी एक्स टू में, इस स्मार्टफोन में हमें किसी भी तरह का LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलता है, और ये LED नोटिफिकेशन लाइट आपको रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन से स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है, यानी कि आप 15,000 रुपये से एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं कर सकते हो, तो रेडमी नोट 8 प्रो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ये स्मार्टफोन 15,000 रुपये के अंदर एक बेस्ट
स्मार्टफोन निकल के आता है। इस स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और साथ ही में आपको 4500 mAh पावर की बैटरी भी देखने को मिल जाता है जो आपको लगभग 1.5 दिन तक बैटरी बैकअप दे देता है। अब बात करते हैं रियलमी X2 स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन रेडमी नोट 8 प्रो से 2000 रुपया महंगा भले ही है लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है 2000 रुपया दे के। तो अगर आप टाइट बजट में नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रियलमी X2 ले लें क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट स्क्रीन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और साथ ही में आपको एक नई वीडियो बोके मोड देखने को मिल जाता है यानी कि आप ब्लर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने इस स्मार्टफोन से और साथ ही में आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन के साथ और एक अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन में हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 8 प्रो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपका कोई राय विचार या सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।